हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फहमिंदा इन द किचन। आज मैं आप लोगों के साथ एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और ये केक स्पेशली मैं अपने बेस्ट फ्रेंड मोनी को डेडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं, एंड आई गॉट दैट वन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि एक अच्छी बुक 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। एंड माई बेस्ट फ्रेंड मोनी इज लाइक माई लाइब्रेरी। आई फील सो लकी टू हैव हर इन माई लाइफ, बिकॉज इस मतलबी दुनिया में अगर आपके पास एक भी सच्चा दोस्त है तो इसका मतलब है आप बहुत ही बड़े किस्मत वाले हैं। इस लॉकडाउन में हमारे कॉलेजेस ओपन नहीं हैं, सो हम मिल नहीं सकते, सो दैट्स वाई ये केक मैंने अपने घर पर ही बनाया है। दिस इज फॉर यू मोनी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड मेरे सारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को भी ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो चलिए अब हम ये मज़ेदार सी चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करते ही आपको 3 ऑप्शंस नजर आएंगे, जिसमें आप सबसे पहला ऑप्शन ऑल को प्रेस करें। उससे मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 इंच का केक टिन ले लिया है। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ब्रश की मदद से इसे हम चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला देंगे। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन या भगोना ले सकते हैं। हमने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इस पर हम 1 चम्मच मैदा डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ से डस्ट कर देंगे। ऐसा करने से हमारा जो केक बनेगा वो नीचे चिपकेगा नहीं। जब आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इस तरीके से केक बना सकते हैं। ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ से डस्ट कर दिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और इस पर एक छन्नी रख देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें हम 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे। ये पाउडर शुगर है, मैंने सिंपली शुगर को मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून। ये पहला टेबलस्पून, दूसरा टेबलस्पून और ये तीसरा टेबलस्पून। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे हम छान लेंगे। जब भी हम केक बनाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि सारे इंग्रेडिएंट्स हमें अच्छी तरीके से छान कर ही डालने चाहिए। ऐसा करने से हमारे केक में कोई लम्स, कोई गुठलियां नहीं बनती हैं। ये देखिए, ये जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं उसे हम निकाल देंगे, लेकिन पहले हम इसे चम्मच की मदद से प्रेस कर देंगे। अब इसे हम बाहर निकाल देंगे। अब हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि ऑयल हमें रिफाइन ही यूज करना है, स्मेल वाला ऑयल यूज नहीं करना है। अब इसमें हम 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 कप + 4 टेबलस्पून के करीब मिल्क ऐड करेंगे, लेकिन मिल्क हमें पूरा एक साथ ऐड नहीं करना है। धीरे धीरे हम इसे मिक्स करते जाएंगे और अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम मिल्क ऐड करते जाएंगे। इस बात का ख्याल रखें कि हमें इसे एक तरफ से ही मिक्स करते जाना है। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध और ऐड करते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है और इसमें कोई लम्स भी नहीं है। और ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, इतना फ्लुएंट होना चाहिए ये। अब इसमें हम बेकिंग सोडा और लेमन जूस ऐड करने से पहले कुकर को गैस पर रख देते हैं प्रीहीट होने के लिए। यहाँ पर मैंने कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अगर आप चाहें तो मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप किसी भी प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हम इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने देंगे। अब हम इसको कवर कर देते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि रबर और सीटी हमें निकाल देनी है। अब हम इसे बंद कर देते हैं, लेकिन हमें कम्प्लीटली बंद नहीं करना है, सिर्फ ढक्कन लगा देना है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे। इस बात का ख्याल रखें कि हमें ज़्यादा ज़ोर से इसे नहीं मिलाना है, बस हल्के हल्के हाथों से ही इसे मिलाना है। जब बेकिंग सोडा लेमन जूस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा केक बहुत ही पफी बनता है। सो आप भी ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब इसे हम ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। अब इसे हम अपने केक टिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसमें हम अपना केक का बैटर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए हमारा केक का बैटर कितना स्मूथ है, ऐसा ही बैटर आपका भी होना चाहिए। हमने इसे टिन में डाल दिया, अब इसे हम थोड़ा हल्के हल्के हाथों से टैप करेंगे ताकि जिसमें एयर बबल्स हों वो निकल जाए। अब इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए हमने टिन को कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम कुकर की लिड लगा देंगे। इस बात का ख्याल रखें कि हमें ढक्कन की सीटी और रबर निकाल देनी है। अब इसे हम बंद कर देंगे। अब इसे हमें 30 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। स्टार्टिंग के 5 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और 5 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा केक काफ़ी अच्छा बना है माशाल्लाह। अब इसे हम एक नाइफ की मदद से चेक कर लेते हैं कि ये अंदर तक बेक हुआ है या नहीं। ये देखिए इसमें बैटर नहीं लगा है, इसका मतलब है हमारा केक बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम चॉकलेट गनाज बना लेते हैं। मैंने यहाँ एक मिक्सर जार में 4 टेबलस्पून शुगर ले लिया है, ये पाउडर शुगर है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1.5 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि बटर रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। अब इसे हम चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिला देंगे और इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब दूध ऐड करेंगे। आधा दूध हम अभी ऐड करेंगे और आधा जब हम ग्राइंड करेंगे उस वक्त ऐड करेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए हमारा चॉकलेट गनाश बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए केक ठंडा हो चुका था तो मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट गनाश पोर कर देंगे। ये लीजिए हमारे मज़ेदार इजी एंड सिंपल एगलेस चॉकलेट केक बनकर रेडी हो चुकी है, जिसे मैंने डेरी मिल्क चॉकलेट से डेकोरेट कर दिया है। आई कीप इट सो सिंपल बिकॉज इतने सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, घर में जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल थे मैंने उसी से केक बना दिया है। आई होप यू ऑल लाइक इट। सो आप भी इसी तरीके से अपने फ्रेंड्स के लिए केक ज़रूर बनाएं और उन्हें सरप्राइज दें, और हमेशा अपने फ्रेंड्स की कदर करें और उन लोगों की कदर करें जो आपसे बेमतलब बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।